शुरू से बताता हूँ जी, एक छोटी सी कहानी है इस फिल्म के पीछे, जैसे मैंने बताया तभी कि एक रात को मेरे को मैसेज आया कि भाई क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म करनी है मुझे। मैंने उनको बोला बजट वगैरह ये सारी चीज़ें, कहानी, तो बोले आपके पास जो भी कहानी होगी मुझे सुनाई है, अगर मुझे पसंद आई तो उसके ऊपर मैं फिल्म बनाऊंगी। तो उसको मैंने, नेहा जी को मैंने एक वन लाइन बताई, सिर्फ एक छोटी सी वन लाइन बताई, और उस वन लाइन पे नेहा जी बोले कि बस मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है, इसके हमको फिल्म बनानी है। बस आफ्टर दो दिन के बाद हम लोग लोकेशन हंटिंग के लिए गए, और आने के बाद लिटरली 5 दिन के बाद हम लोग शूट पे गए, इतना फास्ट प्रोसेस हुआ। अभी क्या पोजीशन है, फिल्म की तैयार हो गई है? फिल्म रेडी है, सेंसर में जा चुकी है, सेंसर का काम चल रहा है, एक 10-15 दिनों में सेंसर भी आ जाएगा। सोशल सब्जेक्ट है, महिलाओं के ऊपर है, वुमन ओरिएंटेड फिल्म है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो आज तक हमारी जो बॉलीवुड हो गई और कई अन्य भाषाओं के फिल्में बताते हैं, एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं, उससे भी टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। मुझे आज तक इस सब्जेक्ट के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लोग सोचते हैं ना, अभी वो सब्जेक्ट में बता के
ब्लास्ट नहीं करना चाहूँगा, आप ट्रेलर लॉन्च करेंगे, हम ट्रेलर में देखिए, इसके गाने बहुत प्यारे बने हैं। आज हम एक गाना, एक म्यूजिक लॉन्च हम लोग आज करेंगे और गाना भी हम लोग लॉन्च करेंगे आज, आप गाने देखिए, उसके बहुत प्यारे गाने बने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हरियाणवी 90% हरियाणवी फिल्म हम लोगों ने बनाई है, 90% 10% हम लोग बॉलीवुड का तड़का लगा के रखा है और 90% हरियाणवी टच दिया है। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोकेशंस टोटली शूट हम लोगों ने हरियाणवी में शूट किया है, तो देखने में भी मज़ा आता है। एक अलग ही लैंग्वेज है, एक अलग ही लैंग्वेज है। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस आज के तारीख में, सबसे ज़्यादा जो टैक्स आता है जो हमारे फिल्मों से आता है, बॉलीवुड फिल्म हो गई या रीजनल फिल्में हो गई, इससे ज़्यादा टैक्स सरकार को मिलता है। और ये फिल्मों का बिजनेस फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इंसान जो है वो है दादा साहब फाल्के। इसकी कास्टिंग बहुत मज़ेदार किस्सा है, वो नेहा जी आपको बताएगी, मुझसे ज़्यादा वो अच्छी तरह बता सकती है। मूवी को करते हुए बहुत सारी दिक्कतों का कह सकते हैं सामना करना पड़ा। हम लोग यहाँ से पहले गए हरियाणा, ऑडिशन लिया, कास्ट फाइनल कर दी, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते, इस बिज़नेस को उतना नहीं समझते, जिस दिन शूट पे गए पता चला कि जिसे हमने लीड में फाइनल किया था वो तो US जा रहा है। फाइनली हमने फिर से ऑडिशन रखा, फिर से कास्ट फाइनल की, सीन चल रहा है, फिर से हमें लीड चेंज करनी पड़ी। तीसरी बार लीड चेंज किया, दो दिन शूट होने के बाद वो फिर हॉस्पिटलाइज हो गए, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, बट कुल मिला के सब अच्छा काम हुआ। जैसे हर किसी का लाइफ में ड्रीम होता है, मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूँ, तो मैं इंडिया के लिए ऑस्कर लाना चाहती हूँ। मैंने ऑस्कर के लिए ऐसा सब्जेक्ट चुना जो उसके लिए परफेक्ट था, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री बनाई। मुझे बहुत दुख होता है कि ये कहने के लिए कि किसी ने उनके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाई, तो मैं बहुत सालों से इस सब्जेक्ट पर काम कर रही थी, फाइनली अभी उनको। तो कॉन्सेप्ट आपका रेडी है, स्टोरी रेडी है, हमारा सब कुछ रेडी है, कब तक शूटिंग पे जाने वाले? बहुत जल्दी। ये क्या बायोपिक टाइप की फिल्म है या किसी एक हिस्से को लेकर बनाई जा रही है? नहीं, ये उनकी पूरी लाइफ को लेकर बनाई है। थैंक यू। सबसे पहले तो इनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, कि इनके लिए एक शेर बोल रहा हूँ कि इनकी अदाओं का क्या जवाब दूँ, ये जिए हजारों साल बस यही दुआएं दूँ। फूल कोई अच्छा होता तो किसी माली से मंगवाता, ये तो खुद एक गुलाब है, मैं इसको क्या गुलाब दूँ, भाभी जी घर पर है। थोड़ा सा मैं बड़ा हो गया, तो सबसे पहले तो वही कि नेहा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा मौका है कि जन्मदिन भी है, नए साल की शुरुआत हो रहे हैं इनके जीवन में, और फिल्म कंप्लीट की है, बहुत ढेर सारी फिल्म के लिए, जैसे कि ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इससे पहले जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें फिल्म के बारे में मैंने सुना कि हरियाणवी, हिंदी हरियाणवी है, और बहुत कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें की गई हैं फिल्म में। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, भाभी जी घर की, मेरी पूरी टीम की तरफ से, नेहा जी आपको विश वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या कॉमेडियन दान में डॉक्टर ने क्या सलाह देंगे आप डॉक्टर साहब इनका? बस यही है कि मैं यहाँ से दुआ दे रहा हूँ और झाड़ फूक भभूत अभूत सिर सिद्ध करके अपने क्लिनिक से फूक दूंगा, तो फिल्म में और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, जितनी चलनी है उससे ज़्यादा चलेगी, बस वहाँ जाके भभूत फूक दूंगा। सर स्ट्रगल की बात करें, काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ पे पहुँची है, आपने अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं आपका? बिल्कुल बिल्कुल, और स्ट्रगल एक तपस्या है, स्ट्रगल एक तपस्या है, जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। तो हर एक के जीवन में स्ट्रगल है, संघर्ष है, और संघर्ष करने के बाद ही हम सब भी यहाँ बैठे हैं और नेहा जी भी बैठी है, तो बस यही है कि जीवन में जो मेहनत करेगा उसे तरक्की मिलनी मिलती है। सर दो फिल्में आने वाली, हाँ, तो इनकी जब दो फिल्में आ जाएगी तब मैं बोलूँगा, मेरे पास नहीं, नेहा जी के पास बहुत पैसा है, विभूति है।
और मैं चाहूँगा कि दोनों फिल्में इनकी सुपर डुपर हिट हो। ये बहुत मेहनत करती है, हमेशा सबके लिए भाग दौड़ करती है और बहुत मेहनती लड़की है। हमेशा कुछ ना कुछ उसको लगन रहता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ। हाँ, सलाह वही दूंगा कि इसी तरह मेहनत करती रहे और जो काम का बीड़ा उठाया इस काम को अंजाम तक पहुंचाए और किसी के बस बहकावे में ना आए, अपने काम से काम रखे। लबों पे हंसी गम का कहीं नाम ना हो, नेहा बंसल तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां हो कि उन खुशियों की कभी शाम ना हो। कहना तो यही चाहेंगे कि हमेशा नेहा को हमने मुस्कुराते हुए हंसते हुए खुश दिखा है, इसी तरह से नेहा हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और लोगों को भी हंसाती रहे और इसी तरह से उसके पास फिल्मों की लाइन लगी रहे। अभी मैंने उनके साथ में एक फिल्म की, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस और बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है और बहुत मज़ा आया काम करके। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। विश यू अ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नेहा बंसल। हैप्पी बर्थडे टू यू नेहा बंसल। हम तो यही शुभकामना देना चाहेंगे कि अभी अभी एक पिक्चर भी उन्होंने बनाई है फट फटाफट, इसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और ऐसी पिक्चरें बनाते रहे और हम लोग को काम देते रहे और हम लोग काम करते रहे और उनके भी पास बहुत कुछ आता रहे। फटाफट बनाती रहे, फटाफट बनाती रहे, फटाफट। नेहा एक अच्छी आर्टिस्ट है और जिस तरह सुभाष घाई साहब घाई घाई में फिल्में बनाते थे उसी तरह नेहा भी फट फटाफट काम करने जा रही हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट नेहा बंसल। और उनके और जो यहाँ पर और ये जो है दादा साहब फाल्के पर भी जो बना रहे हैं उनके लिए भी, उसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल द बेस्ट। आज बता देना चाहता हूँ कि आज 8 जून एक नेशनल हॉलीडे होता है कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं होता है। और मैं यहाँ पे इस मौके पे क्या कहना चाहूँगा, आपका सवाल था तो मैं कहना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू नेहा। मैं बताऊं सर, मैं जब इनकी कहानी देखता हूं और इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया है। सचमुच एक लड़की होने के बावजूद, अकेली होने के बावजूद इस ऐसी दुनिया के अंदर अपना ऐसा मकाम बना लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान का खास इनके ऊपर आशीर्वाद है। मैंने तो, मेरी तो बहन है तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि इतनी लायक बच्ची मेरी बहन है। नेहा आपके बर्थडे पे इतने बड़े सेलिब्रिटी आए, क्या कहना चाहोगे आप? मेरे बर्थडे पे कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, सब मेरे भाई आए। हम सेलिब्रिटी के बर्थडे पे आए हैं। सारे भाई और दोस्त भी हैं। दोस्त सब भाई हैं। सब क्या ड्रीम है आपका नेहा, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा ड्रीम ये है, मैं पिछले 20 साल से इसकी तैयारी कर रही हूँ। दादा साहब पाले, मैं चाहती थी कि जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री बनाई उनकी फर्स्ट बायोपिक मैं बनाऊँ। फाइनली मैं अपलोड पे जा रही हूँ। बायोपिक में कौन कौन है? अभी विवेक ओबरॉय जी का सोच रहे हैं, फिर भी अभी कन्फर्म कुछ नहीं है। आप सब क्या कहना चाहते हैं? मैं भी कन्फर्म नहीं हूँ अभी, ये कहना चाहता हूँ। मैं नेहा बहुत साल से जानता हूँ और मैंने जैसे गुलशन जी ने कहा कि बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही मतलब इतनी मेहनत करने वाली लड़की है और कभी भी कुछ भी कर सकती हैं वो। कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं और मैं बहुत हमेशा इनको ब्लेस करता हूँ। शी इज़ क्वाइट, मेरे से बहुत छोटी है, मैं उनको हमेशा ब्लेस करता हूँ कि राइज करें, हमेशा हमेशा तरक्की करें। आज उन्होंने ख़ास तौर से अपने बर्थडे पर हमें बुलाया, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, फिल्म रिलीज़ हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं 2 लाइनें इनके लिए गा के बताना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज साइलेंस। सितारे लोग लाए हैं
मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं, कोई नजराना लेकर आया है दीवाना तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब क्या कहना चाहोगे? ये हमारी मूवी के डायरेक्टर जो सबसे पहले तो नेहा को मैंने मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। और ये दोनों फिल्मों का डायरेक्टर मैं हूँ, और ये फिल्म जब बना रहे थे हम लोग तो हम लोग सोच रहे थे कि यार कोई प्रोड्यूस कौन करे, फाट फटाफट फिल्म का नाम है फाट फटाफट। ये कहानी बहुत ही अलग है। एक दिन मुझे रात को मैसेज आया, रात को एक 12 बजे मुझे मैसेज आया कि राहुल जी क्या कर रहे हो? मैं बोला यार अभी फिलहाल तो मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं अभी क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो एक फिल्म बना दे। बोला फिल्म बना दे यार कैसे बनाएंगे? फाइनेंस पैसा वैसा सारे प्रोड्यूसर व्रोड्यूसर बोले करते हैं ना, कितना बजट होगा क्या होगा सब बातें हुई, एक बजट तय हो गया। और तय होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये कहानी पे वर्कआउट करना, और ये कहानी क्या है उसके बारे में मैं अलग से बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल तो मैंने मैंने एविडेंस ओके है अभी उसी के चल रहा है। हम अलग से बताऊंगा उसका अलग से पॉइंट है से ये अड्डे का हो गया। अब फिल्म के बारे में बताएं क्योंकि वो साथ में जॉइंट है। एक सेकंड ना जीतू जी को ठीक है। नेहा बंसल एक अच्छे कलाकार है, और जिस तरह उन्होंने संघर्ष करके बुलंदी पर जा रही है, हमें गर्व है कि एक लड़की जो हरियाणा से है मुंबई आकर संघर्ष किया और आज कई फिल्मों को बना चुकी है और अच्छे कलाकार है। तो हम चाहते हैं कि उनके संघर्ष से जो आम लोग हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुंबई में कलाकार बनने के लिए बहुत लोग आते हैं अपने सपने लेकर, उनके सपने साकार नहीं होते। लेकिन नेहा बंसल ने जो कार्य किया है उसके हम सबको तारीफ़ करनी चाहिए, और हम तारीफ़ के लायक भी हैं वो, क्योंकि छोटे से गांव से आकर और मुंबई जैसे बड़े शहर में एक बड़े मुकाम पर जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज बॉलीवुड का कोई ऐसा कलाकार होगा जो नेहा बंसल को ना जानता हो तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे पहले मैं नेहा बंसल जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और ऐसे ही हंसते रहें। हर वक्त जो हंस करके वो एक है ना महफिल जमा दे, चुलबुली है, चुलबुली चुलबुली। और मैं चाहूँगा कि वो इस प्रकार से फिल्में बनाती रहें, जिस तरीके से उन्होंने अभी एक नई फिल्म बनाई है फट फटाफट, और हमेशा ऐसी ही कॉमेडी फिल्में बनाती रहें। और उनको फिर जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं नेहा जी को जो है करीब 4-5 साल से जानता हूँ, और मैं मेरा नाम संदीप आर्या है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मुंबई काफ़ी काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर और एज ए फिल्म मेकर। मैं जब अचानक से तोमर साहब के थ्रू मैं नेहा से मिला तो मुझे लगा कि इस लड़की में बड़ा स्पार्क है, और मुझे जब उसके बारे में जानने को मिला तो पता चला कि उसने अकेले के दम पे 15-16 साल मुंबई जैसी नगरी में इतना स्ट्रगल किया और उसके बाद आज एक मुकाम हासिल किया एज ए प्रोड्यूसर एज एन आर्टिस्ट, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस एज में आदमी जो है पढ़ाई कर रहा होता है और फैमिली के सपोर्ट से काम कर रहा होता है, लेकिन आज अकेले के दम पे उसने एक कॉमेडी काम बनाया, अपने लिए एक बेस तैयार किया, और वो काफ़ी फिल्में उसने प्रोड्यूस की हैं। और मैं आई ऑलवेज विश हिम विश हर ऑल द बेस्ट। और जो फिल्में आने वाली हैं नेहा की, जैसे उन्होंने आज एक फिल्म को वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं फाट फटाफट के नाम से, उन्होंने रिसेंटली फिल्म बनाई है, तो मैं आज उनके जन्मदिन पर उनको बहुत ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि उनके जन्मदिन का ये सबसे बेस्ट उपाय कि वो आगे जीवन में इसी तरह से फिल्म्स बनाने का सिलसिला जारी रखें और उनकी फिल्में कामयाब हों, हर बर्थडे पे वो एक फिल्म लॉन्च करें
और इंडस्ट्री को एक कामयाबी की तरफ लेके जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में फिल्म्स की क्वालिटी भी डाउन हो रही है, क्वांटिटी भी डाउन हो रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है और नेहा जैसी जो बेटियाँ हैं हिंदुस्तान की उन्हें आगे आना चाहिए और एक मिसाल बनी है नेहा कि उन्होंने इंडस्ट्री में अकेले के दम पर करके दिखाया और आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। सबसे पहले तमाम मेरी मीडिया को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, थैंक यू। मेरे लवली मीडिया, सुपरहिट मीडिया, जोरदार मीडिया, धमाकेदार मीडिया, मैं नेहा जी मेरी बहन है और काफ़ी सालों से हम लोग जुड़े हैं, लगभग 15 साल तो हो ही है, 15-16 साल। और मेरी बहन को इतने बोलना चाहता हूँ, जब भी मैं उसको देखता हूँ तभी भी 15 साल लगता नहीं जो उसको मिलके हुआ है, और बच्चे लगता है वो, और ऐसे बच्चे लगे और अच्छा काम करे, अच्छा अच्छा फिल्म बनाए और अच्छा अच्छा उसको अवार्ड मिले और उसके साथ साथ में अच्छा काम करे। और एक लड़की 1 रुपये लेके आया था बॉम्बे और आज उसके पास सब कुछ है, तो मैं चाहता हूँ 1 रुपया, मैं भी कुछ पैसा लेके आया था लेकिन मैं 1 रुपया लेके नहीं आया था, उन्होंने 1 रुपया लेके आया और सच सच बात है, और आज उसके पास बहुत कुछ है। तो जन्मदिन में इतना बोलना चाहता हूँ उसको 100 करोड़ मिले आगे चल के, उसको सब कुछ मिले, तमाम खुशियाँ मिले, और जन्मदिन मुबारक हो मेरी बहन। आपने बोला आपकी बहन है, लेकिन आपने दादा साहब फाल्के का अवार्ड है, हाँ सबसे पहले आपने चाहा जी, लेकिन आपके बहन ने पहली बार फर्स्ट टाइम एक पिक्चर लॉन्च करने वाली है जो दादा साहब फाल्के का जीवन को आधारित है, जो बायोपिक का क्या कहेंगे यार, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन कैसे लगा, ये तो मुझे पता नहीं है, आज यहाँ पर ये पोस्टर लॉन्च होगा। हाँ, दादा साहेब फाल्के हमारे बॉलीवुड के जन्मदाता है, पिताश्री है, हमारे गॉडफादर है, मेरा भगवान है वो, क्योंकि जिनके नाम का मैं एनजीओ चलाता हूँ, जिनके नाम का मैं अवार्ड शो करता हूँ बॉम्बे में, दुबई में, अभी मैं लंदन में करने जा रहा हूँ, तो दादा साहेब फाल्के मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे पता है सबको दिया है, पूरी इंडस्ट्री को दिया है। 1913 में उन्होंने फिल्म बनाया राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद तो इंडस्ट्री का तमाम स्टार बनते गया, बनते गया, बनते गया और बनते ही जाएगा, इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये जो फिल्म है दादा साहब फाल्के जी के नाम पे, बहुत अच्छी बात है, उनके नाम पे आधारित फिल्म बन रहे, और मैं इनका एनजीओ चलाता हूँ, शो करता हूँ, तो मुझे तो भाई इतना ही है, मुझे तो भाई बहुत, अगर मुझे काम मिलने का मौका मिले इसमें, इस फिल्म के अंदर काम करने का मौका, मतलब एज ए एक्टर, तो मैं तो भाई करेगा एज ए एक्टर काम। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, और नेहा जी बहुत अच्छी को एक्टर हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छी, काफ़ी सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी सारी फिल्में आई हैं, तो मेरी तरफ से और अच्छी खासी दोस्त भी हैं हमारे काफ़ी सालों से। नेहा जी को मैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, नेहा जी आप जियो हज़ारों साल, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी ऐसे ही तरक्की करते रहो, जैसे कि हमने आपको बहुत सालों से देखा है, साथ में डांस प्रैक्टिस भी की है काफ़ी सालों से, आप जिस तरह से फील्ड में वर्क कर रहे हैं एक महिला होने के नाते, आज इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करना बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आप एक एज ए महिला, एज ए वुमेन अपने आप को डे बाई डे स्थापित कर रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बात है, और आप इसी तरह से तरक्की करते रहें, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे डे बाय डे आपकी फिल्में आती रहें और आप इसी तरह से अपना जन्मदिन खूब सारे लोगों के साथ मनाते रहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, लव यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू नेहा, और मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ उनसे, मेरा नाम रितु जामवाल है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मुझे 2 साल ही हुए हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में, और किया है काम मैंने और चल रहे आगे, और अच्छा काम करूँ अच्छे लोगों के साथ,
आज उनके जन्मदिन पे यहाँ हूँ, तो डेफिनेटली मुबारकबाद देना चाहूँगी उनके जन्मदिन पर। और वो भी जो भी इनका आगे ड्रीम है, वो उनके सपने सच हों, वो जो भी आगे करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। नेहा का बर्थडे है, मैं किरण आर्या, आई विश हर वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये जो आपको छोटी सी लड़की जो देख रही है ना, इसका संघर्ष 16 साल की उम्र से शुरू हो गया। 16 साल की उम्र में अकेली घर से बॉम्बे आई थी, और आज 25 साल का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद एक फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पे आप सबके सामने बैठी हुई है। आई थिंक शी नीड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसका अपना जीवन पूरा जीवन संघर्ष से जूझा है। हम लोग पढ़ लिख के इंडस्ट्री में आए हैं, और ये इंडस्ट्री में आके इसने सीखा है, सो ये ज़िंदगी से कड़ी हुई है। और तब के ही आग में तब के ही सोना खरा होता है, तो ये खरा सोना है। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, इसकी चमक बढ़ती रहे दिन ब दिन, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती रहे। इसका ड्रीम प्रोजेक्ट दादा साहब फाल्के, वो भी काफ़ी सफल हो, सक्सेसफुल हो, और हमारे जितना भी कॉपरेशन है उस फिल्म में हम लोग जरूर जी। विश ऑल द बेस्ट मैम। आप तो पीछे दीजिए, और कैसे मेरा नाम गायत्री, आर्टिस्ट हूँ मैं, और नेहा एक बहुत थैंक यू सर। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, इसने पूरा स्ट्रगल करके पूरी लाइफ गुजारी है, और अब वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे बड़ी प्रोड्यूसर बन के निकल रही है। हमारी ये एक मनोकामना है कि ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, और जो इसको मुकाम चाहिए वो उसे मिले, और ऊपर वाला इसके साथ है। हैप्पी बर्थडे नेहा। I'm Reena Nagandhi, and I've known Neha for quite some time. I'm very happy for her success. इसको फिल्म मिला है और इसका करियर आगे चलता है, मेरे को इसमें बहुत खुशी आता है, और I wish her the best of luck, and I hope that she gets more and more films moving forward. Thank you, sir. Thank you. मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, मेरी बिटिया जैसी प्रोड्यूसर एक्ट्रेस नेहा बंसल मेरे साथ में, ये दिन पे दिन छोटी होती चली आ रही है, काम बड़े। जब मेरी मुलाकात हुई थी तो तब बड़ी लग रही थी, अभी छोटी लग रही है। सबसे बड़ा तो आशीर्वाद मेरा ये है कि ये अपने आप को बहुत मेंटेन की हुई है, आज इसका बर्थडे है, बहुत खुश की बात है। पब्लिक जनार्दन जनता सब आई हुई है यहाँ पर, सब आशीर्वाद देने आई है, क्योंकि हमारी सब लोगों की बिटिया है। साथ में अब चूंकि प्रोड्यूसर भी है, तो प्रोड्यूसर का वर्ड तुम्हारी इंडस्ट्री में आप जानते ही हैं, तो सबकी शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद नेहा बंसल जी को है, और मेरी तरफ से स्पेशली बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। और ये कहना चाहिए, इतनी सिंपल हार्टेड है कि ये सबको अपनी फिल्म में लेना चाहती हैं, लेकिन करेक्टर होगा तभी तो लेंगे। आज तक मैंने काम नहीं किया इनकी फिल्म में, इनको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं इनको साइन नहीं करती। चलो मैं पूरी मीडिया के सामने बोलूं, नेक्स्ट नहीं, इनके फिल्म में नहीं करेंगे, साथ काम किया है। और मेरे प्रोड्यूसर इन्होंने मुझे लिया, मेरे कहने से फिल्म बनाई, सच की जीत, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे कहने से फिल्म बनाई इन्होंने, अब मुलाकात है ना आपकी कलीराम तोमर जी से, दिल्ली को बिलोंग करते, इन्होंने मेरे कहने से फिल्म बनाई और मुझे काम भी दिया, अच्छा काम दिया। अब इसने प्रॉमिस कर दिया शायद मैं काम करूंगा अगली फिल्म में। सर, मेरा नाम किरण कुमार तितोरी है, और मैं एक्टर प्रोड्यूसर हूं, और ये मेरी छोटी बहन है, और इसने यहां बुलाया, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और हम इसके लिए यही दुआ करेंगे कि भविष्य में ये और ज़्यादा तरक्की करे, ताकि लोगों को इसके प्रोडक्शन हाउस में काम मिले। यस। और ये बहुत अच्छे और सच्चे दिल की मालिक है, जो बहुत कम लोग होते हैं, यानी ये मेरे से भी अच्छे दिल की मालिक ही है साहब। जो बोलना फट मुंह के मुंह पे बोलना, सुबह उसका ऑर्डर हुआ आपको आना तो आना, दूसरा कुछ नहीं। इसके ऑर्डर सुन के हम आउट ऑफ मुंबई थे, आए। एवरीबॉडी इज हैप्पी विद नेहा बंसल, और एवरीबॉडी इज हैप्पी। इनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।
Wishing Neha a very happy birthday. We have been friends since a couple of months, but I know her very well. She has been just like a family member to me. I wish her very, very, very happy birthday. Thank you. देखिए इनका बर्थडे है. पहले तो हैप्पी बर्थडे टू हर टू नेहा बंसल. एंड सेकेंड डेज के अगर कोई शख्सियत बाहर निकलना चाहती है, बड़ा बनना चाहती है और वो कुछ अच्छा करना चाहती है, तो व्हाई नॉट टू ब्लेस एंड गिव हर द ऑल द गुड विशेस. माय गुड विशेस टू द गर्ल. आप अच्छा काम कीजिए एंड आप इसी बहाने आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी. और क्या चाहिए अशोक जी, और क्या चाहिए. इट्स अ प्लेजर ऑल ऑफ यू. सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम. बहुत शोर हो रहा है. आज नेहा जी का जन्मदिन है और आज फिर से खुशी का मौका है. आज इनका 38th बर्थडे है. लेकिन ये मुझे लगता है इनकी उम्र रिवर्स हो रही है. इनकी रिवर्स गियर पे उम्र चल रही है इनकी. जैसे जैसे जब जब ये बर्थडे सेलिब्रेट करती है तो इनकी उम्र मुझे हमेशा कम लगती है. कोई तो ऐसा भी होना चाहिए. तो ये 38 की नहीं, मुझे 18 साल की लग रही है. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नेहा जी को और जो जो लोग यहाँ हैं उनको मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत सलाम. और बस इसी तरह ये कारवा चलता रहे, ये बर्थडे यूँ ही मनाते रहे, इनके साथ सेलिब्रेट करते रहे और हमेशा आते रहे और आपका प्यार भी मिलता रहे. Actually, I'll make a move. Some people are waiting for me. No. अभी देख लूँगा. मैं अगर नेहा जी का बर्थडे है तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. इनको भगवान बहुत तरक्की दे. गॉड ब्लेस यू. अगर मुझे फिल्मों के बारे में पता होता तो मैं ज़रूर बोलता, लेकिन जो भी फिल्में आ रही हैं उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. ओ अच्छा. बहुत 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 बढ़िया. बहुत बहुत बधाई हो आपको. I'm very honored to be here. I'm very glad that Neha has invited me. I want to wish her a happy, happy birthday. Not only for today, for the next 38 years. At least. Neha Bansal ji ko janamdin ki dher sari shubhkamnaye. Aur ye ek one man army hai. Jisme itna sahas hai, jo ye karti hai, bahut bada karti hai hamesha. और हमें पूरा यकीन है कि जो इन्होंने ये फिल्म बनाई है फटाफट ये फिल्म भी बहुत कुछ करेगी. और इस फिल्म को बनाने में इन्होंने जो मेहनत की है और राहुल सर ने बहुत अच्छी मेहनत की है. और इस पिक्चर को आप लोग देखेंगे, आप लोग इस पिक्चर को देख के इन्जॉय करेंगे. ये हमारी शुभकामनाएं. ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगा. आपका किरदार कैसा? मेरा किरदार इसमें मैं नेहा का बाप बना हूँ, फादर का रोल. और ये हमारे डायरेक्टर साहब है राहुल सर. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका हरियाणा में शूट किया? बहुत ही मज़ा आ गया. हरियाणा तो हरियाणा है ही. हरियाणा की खेतों में, हरियाणा के घरों में, हरियाणा के खाने, हर चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट. लोगों का प्यार वहाँ बहुत ही कमाल था. किस तरह का मैसेज देती है ये पिक्चर? ये देखिए, ये ज़्यादा बताएंगे राहुल सर, बताएंगे इस पिक्चर के बारे में. और ये एक वुमेन ओरिएंटेड, अगर आपने वो आई थी फिल्म अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्लेन का था, जैसे पैडमैन जैसे उसमें मैसेज था, सेम ऐसा ही मुद्दा इस फिल्म में तो उठाया गया. हमने रात को 2 बजे ये फिल्म बनाने का डिसाइड किया और अगले 5 दिन में हम शूट पे थे. और हमने हरियाणा से ज़्यादा आर्टिस्ट को रखा मुंबई से, तो भैया ही आए.
राहुल जी इससे पहले सुभाष गई, संजय लीला बंसाली, रामगोपाल वर्मा, इन सबको एसोसिएट कर चुके हैं। अभी इनकी एक मूवी प्रेजेंटली कांस में भी चल रही है, तो राहुल सर का सपोर्ट रहा, काफ़ी अच्छा काम मतलब। एक्चुअली मैं अपना काम एंजॉय करती हूँ, बस मुझे दिक्कत ये आई कि इतनी ठंड में मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, रात को 2 बजे फ्री होते थे क्योंकि लड़कियों को मेकअप में हेयर में टाइम लगता था, ये लोग आराम से उठते थे और मैं कांपती थी जब मेकअप करती थी, और ऊपर से मेरा कैरेक्टर है ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस, उस ठंड में जहाँ मैं 4 ब्लैंकेट से बिना नहीं, तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट था, बाकी एंजॉय। सोशल मैसेज भी, बाकी तो राहुल सर ज्यादा बताए, जैसे कहा सोशल मैसेज है, महिला की उस प्रॉब्लम पे आज तक किसी ने फिल्म नहीं बनाई जो हमने कोशिश की और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। ये तो हर एक बाप बोलेगा कि मेरा बेटा अच्छा है, लेकिन ऑडियंस जब देखेगी तो वो उनका रिएक्शन जो होगा वो हमारा मतलब आज तक का सबसे बड़ा हमारा पेमेंट होगा, मैं ये बोल सकता हूँ। हमारे लिए जो पेमेंट बोलते हैं, हम लोग पेमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं, पैसे के लिए हम लोग काम करते हैं, पेट के लिए काम करते हैं, तो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेमेंट हमारा ऑडियंस का रिएक्शन होगा। अगर उन्होंने अच्छे लेवल पर रिएक्शन दिया तो हमारा हम सफल होगा। महिला की एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी जो बात है आज के तारीख में, मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन वही महिला को शर्म के मारे वो बात नहीं बोलती। हर एक के घर में एक महिला है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की वाइफ है, किसी की बेटी है, तो जो बेटी है, बेटी समान हो गई, माँ समान हो गई, जो महिला है, अगर महिला के पेट में गैस हो गया तो खुले आम वो फार्ट नहीं कर सकती, बात नहीं सकती, लेकिन वही पुरुष अगर सोशल में या किधर भी हम पब्लिक प्लेस में भी फाट कर दे तो उसको देखते इग्नोर कर देते हैं, लेकिन महिला ने अगर फाट कर दिया तो उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो यही सब्जेक्ट है हमारा। मैं लंदन जा रहा था, मेरे प्लेन में मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी, वहाँ से मुझे ये क्लिक हुआ कि वो एक मतलब उसको अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही थी, फटक से उठी और भाग के बात वॉशरूम तक गई, तो वो जाते तक वो जो फाट का साउंड देखते सुना लोगों ने, और लोग के उसके ऊपर हंसने लगे, कई कमेंट्स पास हुए प्लेन में। तो मैंने सोचा कि यार अगर इतनी एजुकेटेड पर्सन लोग बैठ के यहाँ पे कमेंट पास कर सकते हैं तो पूरी दुनिया में, ये वर्ल्ड वाइड सब्जेक्ट है, ये सिर्फ हमारे इंडिया का सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया का सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है। सर सुनाई नहीं दे, नहीं नहीं ये हिंदी में रिलीज़ करेंगे हम लोग, लेकिन मैंने कभी भी कहा कि 90% हम लोगों ने हरियाणवी रखी है, कल्चर वहाँ का है, वहाँ के लोकेशंस है, वहाँ का पहराव है, और भाषा जो है हरियाणवी है लेकिन हिंदी का तड़का है, क्योंकि कल्चर से बहुत रिलेटेड बैकग्राउंड जो है उसका वो हरियाणवी है। दंगल पिक्चर में बैकग्राउंड हरियाणा। अभी इसका ट्रेलर और म्यूजिक दिखाएंगे। वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, मतलब हम लोग शूटिंग के हमारे 5 दिन हो गए थे और हमने डिसाइड किया था कि एक गाना चाहिए मूवी में, एक गाना चाहिए, तो गाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, कई लोगों से मिले हम लोग। फिर हमारे ही मूवी में एक लड़की है जो खुद सिंगर है, तो उसने खुद बोला यार मैं कर दे तू, उसने गाना रातों रात लिखा, उसी रात वो पैकअप करके घर गई, उसने स्टूडियो में जाके गाना गाया और रफ मिक्स हम लोग को सुबह मॉर्निंग में लाके दिया और बोले कि सर ये है, और हमने एक बार सुना, सुनते ही बोला यार इसमें कोई है ही मतलब करेक्शन वाले बात ही नहीं है, शूट कर दे। ऐसी हमारी कहानी है गाने के लिए। बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जो प्री प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो चुका है और उसकी कहानी के ऊपर वर्कआउट हो रहा है,
क्योंकि दादा साहब फाल्के एक मैसेज और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो हमारे मतलब इंडस्ट्री में काम करने वाले हर एक इंसान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू।